हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं रोटेशनल डायनेमिक्स की एक्सरसाइज, उसमें का पार्ट 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिखाई देंगे 5 सब क्वेश्चंस 1 2 3 4 5, उसको सॉल्व करेंगे आज। लास्ट मेरे वीडियो में आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू को सॉल्व किया था हमने, अब अच्छा सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 1 to 5 सब क्वेश्चंस है, ये 2 मार्क्स या 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो ये थोड़े से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है और जनरल भी है। देखो ये सब बेस है, आपको कितना समझ में आया पूरा लेसन उसके ऊपर, यानी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है। तो देखिए कैसा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे मैंने आंसर्स भी लिख के दिया है, आप पहले इसकी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो आपके लिए, और उसके बाद में ये सब हुआ है अपना पूरा लेसन में, मैंने ये पूरा समझ में समझाया है मेरे। आप उसके लिए वीडियो देखिएगा, फर्स्ट पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक मेरे वीडियोज़ हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पे पूरा मैंने लेसन ये सब पॉइंट्स कवर किए हैं, पर आंसर कैसे लिखना है और क्या आंसर है वो भी मैंने ये आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है कि आंसर कैसे लिखना है, तो वो आंसर भी आपको दिखाई दे रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं ज़्यादा समझाऊंगी नहीं, क्योंकि ये पूरा मैंने मेरे लास्ट वीडियोस में आप देख सकते हो ये सब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। सिर्फ मैं आज थोड़ा सा इसमें क्या लिखना है इतना ही बताऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर कर रोड बैंक, ये क्वेश्चन बेस है बैंकिंग ऑफ रोड पे, ठीक है। तो पूछा गया है व्हाई आर कर रोड बैंक्स, कर रोड को बैंक क्यों किया जाता है, ठीक है। तो ये सब पूरी थ्योरी बैंकिंग ऑफ रोड की ही लिखनी है, तो जैसे बैंकिंग ऑफ रोड, व्हाट डू यू मीन बाय बैंकिंग ऑफ रोड, वही लिखना है। तो इसलिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर हॉरिजॉन्टल रोड है तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है बिटवीन टायर्स एंड व्हीकल ऑफ द रोड, ये प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स, और नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स भी बोल सकते हैं, और यही बैलेंस करता है, क्या बैलेंस करता है, फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द व्हीकल, यही बैलेंस करता है सेंट्रिफ्यूगल फोर्स को, ठीक है। बट द फ्रिक्शनल फोर्स को एक कुछ लिमिट रहती है, अपर लिमिट रहती है, और उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है बिकॉज द रोड इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। तो आप देखते हो कि रोड क्या सेम ही नहीं रहता है, यूनिफॉर्म नहीं रहता है। ये अपने रियल लाइफ में ये फ्रिक्शन पे वी कांट डिपेंड अपॉन इट, डिपेंड नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो जो कर्व रोड है वो क्या किए जाते हैं कि उसका इनर एज जो है वो स्लाइटली रेज किया जाता है टू द आउटर एज, यानी ये जो रोड रहेगा वो कैसा रहेगा इन दिस वे, यानी ये जो आउटर एज ऑफ द रोड स्लाइटली टिल्टेड देन द इनर रोड, ठीक है। तो विद द हॉरिजॉन्टल, दैट इज़ ये अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इनर रोड को थोड़ा सा उठाया जाता है बाय सम एंगल थीटा, एंड दिस इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। तो वाई आर कर रोड बैंक, तो फॉर सेफ्टी ड्राइविंग ऑन द कर रोड बैंकिंग ऑफ रोड इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द व्हीकल फ्रॉम स्किडिंग, स्किडिंग और स्लिपिंग कुछ भी बोल सकते हो, कि बैंकिंग ऑफ रोड क्यों नेसेसरी है कि व्हीकल को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम स्किडिंग, ठीक है। तो अभी मैं पढ़ती हूँ आंसर, व्हाइल टेकिंग अ टर्न ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द व्हीकल एंड द रोड प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स और बैलेंसेस सेंट्रिफ्यूगल फोर्स, हाउएवर द फ्रिक्शनल फोर्स इज हैविंग एन अपर लिमिट, फ्रिक्शनल फोर्स को अपर लिमिट रहती है, ठीक है, और उसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं रहती, ऑल्सो इट्स वैल्यू इज यूजअली नॉट कॉन्स्टेंट, क्यों, एज द रोड सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म, दस इन रियल लाइफ वी शुड नॉट डिपेंड अपॉन इट एज फार एज पॉसिबल, फॉर दिस पर्पज द सरफेस ऑफ द कर्व रोड्स आर टिल्टेड, टिल्टेड भी बोल सकते हो यहाँ पे, अगर टिल्टेड ये वर्ड हार्ड जाता होगा तो आप रेज भी बोल सकते हो, RAISED रेज भी बोल सकते हो, रेज विद द हॉरिजेंटल विथ सम एंगल थीटा, दिस इज
बैंकरोड, उसको क्या बोलेंगे, बैंक रोड, ठीक है। दस फॉर सेफ्टी ड्राइविंग ऑन द कर्व रोड, बैंकिंग ऑफ रोड इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द व्हीकल फ्रॉम स्किडिंग। अगर स्किडिंग हार्ड जा रहा है तो स्लीपिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। स्किडिंग का दूसरा वर्ड है स्लीपिंग, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया ये फर्स्ट क्वेश्चन? पहले ही आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के आप इसका लिख लो, ठीक है, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन के तरफ देखेंगे, क्या है सेकंड क्वेश्चन? देखो सेकंड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, डू वी नीड अ बैंक रोड फॉर अ टू व्हीलर, एक्सप्लेन। अब बैंक रोड कार के लिए चाहिए कि टू व्हीलर के लिए भी चाहिए? डू वी नीड अ बैंक रोड फॉर टू व्हीलर, एक्सप्लेन। क्यों चाहिए एक्सप्लेन करो, टू व्हीलर के लिए चाहिए क्या बैंक रोड? यस चाहिए ना, ठीक है। तो यस वी नीड अ बैंक रोड फॉर टू व्हीलर, आंसर क्या है? यस है, यस वी नीड अ बैंक रोड फॉर टू व्हीलर। क्यों? तो ये फिर से वही आंसर है, थोड़ा सा अलग चेंज करके मैंने लिखा है, बाकी आंसर वही है, ठीक है, पहले वाला ही आंसर है। क्या है कि अगर सेंट्रिपेटल फोर्स कम होता है तो व्हीकल क्या हो जाएगा, स्किड हो जाएगा, ठीक है। तो वही लिखा है, व्हेन सेंट्रिपेटल फोर्स इज लेस अगर रहता है, सेंट्रिपेटल फोर्स क्या है, लेस अगर है द व्हीकल स्किड, ठीक है। देन लिखना था यहाँ पे, आप कर लो देन व्हीकल स्किड, ठीक है। तो टू एलिमिनेट दिस डिफ़िकल्टी, एलिमिनेट ये डिफ़िकल्टी को एलिमिनेट करने के लिए अब क्या है, रोड को क्या किया गया है, रोड्स आर बैंक, ठीक है। व्हेन रोड इज बैंक द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन। यानी क्या, कौन प्रोवाइड करता है, जो नॉर्मल रिएक्शन, जो रिएक्शन दी जाती है तो वही प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स। अब रिएक्शन क्या दी जाती है कि अगर रोड आप देखते हो कि अगर साइकिल वाला है अगर उसको, या टू व्हीलर वाला है तो अगर उसको कर्व रोड पे टर्न करना है तो वो क्या करता है कि थोड़ा सा ऊपर रेज हो जाता है, या वो साइड इनर साइड को थोड़ा सा टर्न, ऐसा टर्न हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन टू व्हीलर वाला देता है यही प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन, ठीक है। आपका खुद एक्सपीरियंस होगा कि जैसे टर्न होते समय साइकिल या टू व्हीलर अपनी जहाँ से जो बाजू में टर्न होना है वही बाजू में थोड़ी सी ऐसी नीचे थोड़ी सी झुकती है, या आप थोड़ा सा साइकिल के टाइम भी थोड़ा सा ऊपर उठते हो, तो दिस इज़ द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो यही नॉर्मल रिएक्शन क्या प्रोवाइड करती है, नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन। सो रोड्स आर बैंक टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स, रोड को बैंक किया जाता है फॉर टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स, ठीक है। मैं एक बार फिर से ये जो है आंसर मैं पढ़ती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यस वी नीड अ बैंक रोड फॉर टू व्हीलर, ठीक है। पहला ये क्वेश्चन था ना, डू वी नीड अ बैंक रोड फॉर अ टू व्हीलर, तो उसका आंसर है फर्स्ट पैरा में, यस वी नीड अ बैंक रोड फॉर अ टू व्हीलर। एक्सप्लेन, व्हेन सेंट्रिपेटल फोर्स इज लेस देन अ व्हीकल, लेस अगर सेंट्रिपेटल, व्हेन सेंट्रिपेटल फोर्स इज लेस, यहाँ पे कॉमा चाहिए था, इफ सेंट्रिपेटल फोर्स इज लेस देन व्हीकल इज स्किड, ठीक है। व्हीकल क्या होगा, स्किड हो जाएगा। टू एलिमिनेट दिस डिफिकल्टी रोड्स आर बैंक, रोड को क्या किया गया है, बैंक किया गया है। व्हेन रोड इज बैंक द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन। जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या प्रोवाइड करेगी, नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन। अगर सेंट्रिपेटल फोर्स ही नहीं है तो सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं, ठीक है। सो रोड्स आर बैंक टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स, रोड को क्यों बैंक किया है, टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स, ठीक है। समझ में आया ना, ये अपना सेकेंड क्वेश्चन था। तो अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्या है थर्ड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, थर्ड क्वेश्चन और उसका आंसर, आप फटाफट इसका पहले स्क्रीनशॉट निकालते जाओ और ये लर्न करना है आपको, राइट करके देखना है, आपके बुक में ये राइट करके रखो,
ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में रीड करती हूँ. ऑन वॉट फैक्टर्स डज द फ्रिक्वेंसी ऑफ कॉनिकल पेंडुलम डिपेंड्स? इज इट इंडिपेंडेंट ऑफ सम फैक्टर्स? अब कॉनिकल पेंडुलम की फ्रिक्वेंसी किसके ऊपर, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड है? ठीक है, कॉनिकल पेंडुलम, ये भी मेरे लास्ट वीडियो, बहुत सारे वीडियो 1 to 9 को के पार्ट में आप देखिएगा, कॉनिकल पेंडुलम देखा है कि रिजिड सपोर्ट है एंड दिस इज अ पॉइंट मास और इट इज़ नोन एज बॉब. ठीक है, इसको बॉब भी बोलते हैं और पॉइंट मास भी बोलते हैं. सपोज एल इज द, और ये अगर सर्कुलर, ये कॉनिकल पेंडुलम परफॉर्म्स द सर्कुलर मोशन एंड दिस इज थीटा इज नोन एज सेमी वर्टिकल एंगल. एल इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम. ठीक है, एंड दिस इज एम जी इज द इट्स वेट. ये सब देखा हुआ है, आप देखो डायग्राम भी है बुक में, आप वो भी देख सकते हो. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉनिकल पेंडुलम इज गिवन बाय द फॉर्मूला एन इज इक्वल टू 1/T. 1/T मीन्स टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम. टी क्या है? पीरियड ऑफ पेंडुलम. तो पीरियड का एक्सप्रेशन आपको ये जो है, यानी फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज एन इज इक्वल टू 1/T, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड. सो एन इज इक्वल टू 1/T इज इक्वल टू 1/2π अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा. दिस इज द इक्वेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉनिकल पेंडुलम. ठीक है, सो कॉनिकल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स. किसके ऊपर डिपेंड? आपको ये जो एक्सप्रेशन में वो फैक्टर्स दिखाई दे रहा है, पहले तो एल दिखाई दे रहा है, ठीक है, फिर थीटा है, जी है, और 2π तो कांस्टेंट है ना, तो जी एल और थीटा पे डिपेंड है. फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड है? जी एल एंड थीटा. सो हियर वी राइट एल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ कॉनिकल पेंडुलम. ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ, एल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ कॉनिकल पेंडुलम. जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. थीटा इज एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विथ वर्टिकल एट एनी पोजिशन, कहाँ पे भी. ठीक है, तो ये थीटा, थीटा इज ऑल्सो नोन एज सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोण. ओके, समझ में आया किसके ऊपर डिपेंड है? एल, जी एंड थीटा. और एल क्या है, जी क्या है, थीटा क्या है, ये लिखना है आपको. ठीक है, और किसके ऊपर डिपेंड नहीं है? अब अगर थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल है, अगर थीटा की वैल्यू अगर जो सपोज 0 है, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, नियरली इक्वल टू 0, तो ये जो अपनी टर्म है ये क्या हो जाएगी? एन की वैल्यू क्या होगी? 1/2π अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस 0. कॉस 0 1 आती है, दैट इज़ वी गेट 1/2π अंडर रूट ऑफ जी बाय एल. दैट इज़ वी गेट दिस फॉर्मूला 1/2π अंडर रूट जी बाय एल. सो वी से दैट अगर थीटा वेरी स्मॉल है तो ये जो फ्रिक्वेंसी ऑफ कॉनिकल पेंडुलम है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द थीटा ऑल्सो, बिकॉज कॉस 0 इज 1. अगर थीटा बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है, नियरली इक्वल टू 0, देन दिस फ्रिक्वेंसी ओनली डिपेंड्स अपॉन जी एंड एल. सो यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है कि फ्रिक्वेंसी ऑफ कॉनिकल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा इफ थीटा इज वेरी स्मॉल. आप यहाँ पे एक लाइन ऐड कर सकते हो, नियरली इक्वल्स टू 0, नियरली इक्वल टू 0. ठीक है, समझ में आया ये? तो इस प्रकार से लिखना है, बहुत शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है ये, इसलिए आपको छोटे छोटे आंसर्स उसके दिखाई दे रहा है. अगले जो क्वेश्चंस है, 3, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 12 तक, वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, वो नेक्स्ट मेरे वीडियो में आप देखने वाले हो. ठीक है, तो अब 4th नंबर का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4. अब पढ़ती हूँ मैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यानी आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज़ इट यूजफुल टू डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन? रेडियस ऑफ गायरेशन को डिफाइन करना क्या यूजफुलनेस है, यानी क्या उसका यूज़ है, ऐसा भी बोल सकते हो. ठीक है, क्या है? तो अब आपको मालूम है दिस इज़ द रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी है अपनी, और दिस इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन अलॉन्ग विच दिस रिजिड बॉडी रोटेट्स. ठीक है, ये रिजिड बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ये सब हुआ है, आप मेरे वीडियोस देखिएगा या पढ़ो आपकी बुक. ठीक है, तो आपको ये सब समझ में आएगा. और सपोज दिस इज़ अ पार्टिकल हैविंग द मास एम वन विच इज़ एट डिस्टेंस ऑफ आर वन फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन.
ठीक है, और मास किस कितना है, एम वन। तो क्या आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर, ऐसा रहता है ना। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट के लिए लिखना है तो एम वन आर वन स्क्वेयर, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ग्रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए क्या है फॉर्मूला, तो अगर के इज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पार्टिकल ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस आई इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या है, एम के स्क्वेयर, वेयर के इज नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन। ये सब हुआ है, आप देखो प्लीज़। मेरे लास्ट वीडियोस में, मेरे नौ नौ वीडियो में, नाइन वीडियोस में आपको ये सब दिखाई देगा, ठीक है। मैं इसलिए ज़्यादा समझाना वाली नहीं हूँ आज, सिर्फ फटाफट आपको रिवाइज कर दे रही हूँ, ठीक है। तो के आई इज इक्वल टू एम के स्क्वेयर रहता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या है ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, उसका क्या यूज़फुल है कि नहीं, वो देखना है आपको, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपने देखा है कि एम इज़ द मास ऑफ द पार्टिकल एंड इट इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ये एम कैसा रहता है, एम इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट, मास ऑफ द पार्टिकल जो है वो कैसा रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। और आर इज़ द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो अब आर चेंज होता है, अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो आर की वैल्यू क्या हो जाती है, आर टू, सेकेंड पार्टिकल के लिए एम टू रहती है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑल्सो चेंजेस, इसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन अब के वन है तो क्या आ जाएगा, के टू हो जाएगा दूसरे पार्टिकल के लिए, ठीक है। तो दिस रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ये रेडियस ऑफ गायरेशन किसके ऊपर डिपेंड है, शेप एंड साइज पे डिपेंड है, ठीक है, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। और इसका उपयोग क्या है, इसका यूज़ क्या है, तो ये इट मेजर्स, वो मेजर करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका काम क्या है, ये मेजर करता है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन को, कि कितना मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन का क्या यूज़ है, कि इट मेजर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो मेजर करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो अगर रेडियस ऑफ गायरेशन, अगर सब, अगर आपको रेडियस ऑफ गायरेशन छोटा दिखाई दे रहा है, अगर इफ़ द रेडियस ऑफ गायरेशन इज स्मॉल, दैट इज़ वी से दैट कि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो वेरी क्लोज है एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास है। अगर के इज़ वेरी स्मॉल, के अगर आपको कैसा दिखाई दे रहा है, स्मॉल दिखाई दे रहा है, अगर के की वैल्यू छोटी है, स्मॉल है, तो वी से दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज़ क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, पास है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे हुआ है, पास में, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। और के की वैल्यू अगर लार्ज है तो वी से दैट कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जो है वो लार्ज डिस्टेंस पे हुआ है, दूर हुआ है, दूर, अगर ये ही डिस्टेंस अगर दूर है तो वी से दैट कि यानी लार्ज है, के लार्ज है, तो वी से दैट डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है मास का अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन वो कैसा हो रहा है, इट इज़ एट ए लार्ज डिस्टेंस हो रहा है। सो अगर ये के ऊपर ही आई की वैल्यू डिपेंड है, बिकॉज आई इज इक्वल टू एम के स्क्वेयर, अगर के लार्ज होगा आई लार्ज होगा, इफ़ के इज़ स्मॉल देन आई इज स्मॉल, ठीक है। तो यही उसका उपयोग है, यूज़ है, और इस प्रकार से रेडियस ऑफ गायरेशन इज़ वेरी यूजफुल फॉर द रोटेशनल मोशन। समझ में आया कि के पर से आप बता सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एक्सिस के नियर हुआ है या एक्सिस से दूर हुआ है, ठीक है। तो यानी अगर के लार्ज है, के की वैल्यू, इफ़ द वैल्यू ऑफ के इज़ लार्ज देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ लार्ज, एंड इफ़ द वैल्यू ऑफ के इज़ स्मॉल देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ स्मॉल, ठीक है। तो यही यूज़ है के का, समझ में आया आपको। तो मैं अभी रीड करती हूँ जो आंसर लिखा है, वो देखो, फॉर अ गिवन बॉडी मास ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मास कैसा रहता है, ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये बॉडी का मास पूरा कैसा रहेगा, ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो चेंज, ये जो डिस्टेंसेस है वो कभी आर वन रहता है, आर टू रहता है, चेंज होता, ड्यू टू दिस रेडियस ऑफ गायरेशन ऑल्सो चेंज, इसलिए रेडियस ऑफ गायरेशन भी क्या होगा, चेंज होगा।
द रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड है? शेप साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है. इट मेजर्स, अब ये यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है, इट मेजर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. इसका क्या काम क्या है कि इट मेजर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है. स्मॉल वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन शोज दैट मास ऑफ द बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोज. अगर स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू है रेडियस ऑफ गायरेशन, तो मास ऑफ द बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है. सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा रहेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल, ये याद रखिएगा. के स्मॉल देन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? क्लोज. के स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन क्लोज. और एम आई कैसा रहेगा? एम आई स्मॉल. ये ऐसा याद रखो, आप कभी भी इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है. और के लार्ज, अगर के लार्ज है तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? डिस्ट्रीब्यूशन एट लार्ज डिस्टेंस रहेगा, लार्ज डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा. और एम आई कैसा रहेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा रहेगा? इट इज़ ऑल्सो लार्ज, ठीक है. तो इस प्रकार से याद रखना है, शॉर्ट नोट्स ऐसे निकाले जाते हैं, ठीक है. तो समझ में आया? तो यहाँ पे ये सेकंड पैरा पढ़ती हूँ. फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज एट लार्ज डिस्टेंस. देखो लार्ज वैल्यू, अगर रेडियस ऑफ गायरेशन की लार्ज वैल्यू है तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लार्ज. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? लार्ज रहेगा. बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज़ यूजफुल टू डिफाइन द रेडियस ऑफ गायरेक्शन. इसलिए रेडियस ऑफ गायरेक्शन को डिफाइन करना जरूरी है, ठीक है. रेडियस ऑफ गायरेक्शन चाहिए, उसके ऊपर से देखा जा सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कहाँ पे हुआ है, अब वेरी नियर या वेरी फार. और मोमेंट, उसके ऊपर से वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम ज़्यादा आपको मिलती है, ठीक है. तो समझ में आया फोर्थ वाला क्वेश्चन. अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या है. क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाई दे रहा है, आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो पहले आंसर का, ठीक है. तो क्या है, मैं पढ़ती हूँ पहले क्वेश्चन क्या है. अ यूनिफॉर्म डिस्क एंड ए हॉलो राइट सर्क्यूलर कोन हैव द सेम फॉर्मूला फॉर देयर एम आई. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेम फॉर्मूला रहता है किसको? यूनिफॉर्म डिस्क और ए हॉलो राइट सर्क्यूलर कोन. ये भी MCQ में भी ये आया था. तो क्या रहता है इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? I इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर. यानी सर्क्यूलर डिस्क लो, डिस्क ऐसी रहती है ना, सर्कुलर डिस्क लो आप, या अगर कोन लो, तो ये दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है? व्हेन रोटेटिंग अबाउट देयर सेंट्रल एक्सेस, सेंट्रल एक्सेस के अलोंग अगर इसको रोटेट कर लिया तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है दोनों का? आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर. अगर ये इसको भी, अगर ये सेंट्रल एक्सेस है, इसके अलोंग रोटेट कर दिया तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है? तो हाफ एम आर स्क्वेयर रहता है. और क्या बोला है, व्हेन रोटेटिंग अबाउट सेंट्रल एक्सिस, व्हाई इज इट सो? यानी दो अलग अलग बॉडी होकर भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला सेम है, व्हाई इज इट सो? यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है. तो आंसर अब देखो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप देखा गया आपको, अगर पहले पढ़ लो आप कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलवेज डिपेंड अपॉन द मास of the body, distribution of the mass of the body about the axis of rotation, ठीक है. And it depend upon shape, size and mass of the body, ठीक है. और ये axis of rotation पे भी depend है, यानी वो कहाँ moment of inertia, ये जो axis है अभी ये आपको diagram में दिखाई दे रहा है, it is the central axis that is passing through the center. अगर tangent बोला रहता था तो ये ऐसा आता था. यानी distribution of mass depends upon the position and orientation, यानी ये जो moment, sorry distribution of mass नहीं, moment of inertia किसके ऊपर depend है? position क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट है, यानी टेंजेंट के अलोंग है कि सेंटर से है, परपेंडिकुलर है, जहाँ पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके ऊपर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड रहता है, ठीक है. तो ये क्या है, अब अभी आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में कि ये डिस्क और कोन क्या है.
तो वो अलग अलग बॉडीज होकर भी उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम क्यों है? क्योंकि कोन का जो नीचे वाला पार्ट है, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ डिस्क, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जो है वो कैसा है, सेम होता है, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास सेम होता है, सो के की वैल्यू जो है, रेडियस ऑफ गायरेशन, वो भी सेम रहता है, और उसकी वजह से दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेम आता है। वही इस आंसर में दिया है। देखो, पहले जनरल लिखा है मैंने कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। किसके ऊपर डिपेंड है? मास, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। एंड सेकेंडली, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है? किसके ऊपर डिपेंड है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंड थर्ड, पोजिशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है? अब एम इज़ द स्मॉल मास, अगर आपने कंसिडर किया तो इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इट इज़ डिनोटेड बाय आई इज इक्वल टू इंटीग्रल आर स्क्वेयर डी एम। ये भी हुआ है, आप देखो लास्ट वीडियोज़ में, ठीक है? फॉर यूनिफॉर्म डिस्क एंड अ हॉलो राइट सर्क्यूलर कोन, सिंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसा है, सेम है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसा है दोनों में? सेम है। सो दे आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर सेम, इसीलिए उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेम है। दैट इज आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वेयर। क्या है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वेयर, ठीक है? समझ में आया आपको ये आंसर? तो इस प्रकार से ये आज पूरे सेकंड क्वेश्चन का पूरे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं हमने। तो अगले मेरे वीडियो में आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस देखने हैं, जो कि थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस हैं, और जो टॉपिक्स अपने हुए हैं, कुछ एक्सप्रेशंस भी है उसमें, तो वो एक्सप्रेशन में अभी आपको सिर्फ जल्दी जल्दी में उसका रिवीजन करके दूंगी, क्योंकि वो डिटेल अगर आपको देखने हैं वो एक्सप्रेशंस, तो मेरे 1 to 9 वीडियो में आप देख सकते हो। और अभी इतना फिर से उस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट अपने लेसन्स भी बहुत सारे बाकी है, उसके तरफ भी जाना है अपने को। तो फटाफट सेकेंड लेसन भी मुझे स्टार्ट करना है, तो अभी ये एक्सरसाइज का सेकेंड वीडियो था, सेकेंड क्वेश्चन के लिए। थर्ड वीडियो में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड ऑनवर्ड, जितने होते हैं उतना करते हैं, क्योंकि आपको भी बोर होना नहीं चाहिए। एक एक दिन अगर मैं आपको ये देती हूँ, मेरा इसलिए मेरी ये इच्छा है कि आप उतना उतना प्रिपेयर करो। एकदम से ढेर सारी पूरी एक्सरसाइज दे दूंगी, तो आपको भी प्रॉब्लम जाएगा, और मेरे साथ साथ आप अगर पढ़ोगे तो आपका भी ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एमसीक्यूज दिया था, आप उसको प्रिपेयर किया ना आपने, तो ठीक है, तो अभी आप उसको भी लिखा है ना, तो वैसे आपने ये सेकेंड क्वेश्चन भी आप मेरे साथ प्रिपेयर करो, इसको राइट करो, उसको लर्न करो, और तब तक के मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा देती हूँ। स्टे ट्यून विथ मी, ओके ओके देन फिर से मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।